हेलो दोस्तों, माँ कात्यायनी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजीव पांडे आपको क्लास टेंथ के सूरदास के पदों का दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम पद को शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किलकत कान गुटुरवनियावत, किलकत कान गुटुरवनियावत, मनमय कनक नंद के आंगन, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरि बेधावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत। किलक हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकत कान घुटुर वन आवत, किलकत कान घुटुर वन आवत, कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तर ले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। कलकत कान घुटुर बनियावत, किलकत कान घुटुर बनियावत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में चले आ रहे हैं। आगे कहते हैं, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरि बेधावत। कनक सोना, मनमय मणि। कहते हैं कि सोना और मणि से जड़ित नंद बाबा के आंगन में भगवान कृष्ण प्रतिबिंबों को यानी परछाइयों को पकड़ने के लिए इधर से उधर भागे जा रहे हैं। कहता है, कब हुंडी रख हरिया पुछाह को, कर सो पकरन चाहत। कभी कभी भगवान कृष्ण बड़े ध्यान से अपने ही शरीर की परछाई को देखते हैं और उसे अपने हाथों से पकड़ने का प्रयास करते हैं। आगे कहते हैं, किलक हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है, जब वो किलकारियां मार के हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दूधे के दांत हैं, जिन्हें हीरा और मोती कहा जा सकता है, हाँ, वो हीरा मोती जो दांत हैं दोनों आगे दूधे के, वो बार बार लोगों को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। जैसे आप सबको छोटे बच्चे जब एक बार मुस्कुरा के देखते हैं तो आप लोग अपनी सुध बुध खो जाते हैं, उसी तरह भगवान कृष्ण की उस बाल स्वरूप सुंदरता को देखकर सब लोग मोहित हो जा रहे थे। कहते हैं, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। आभूषण जड़ित उस भूमि पर, नंद बाबा के आंगन में आभूषण जड़ित उस भूमि पर भगवान कृष्ण की जो परछाई पड़ रही थी वह उनकी सुंदरता को और बढ़ा दे रही थी। कहते हैं, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। जब भगवान हाथ पैरों के सहारे चलते चलते थक जाते हैं तो हाथों के सहारे से नंद बाबा के आंगन में पालथी मार के बैठते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो नंद बाबा के आंगन में कोई कमल का पुष्प खिल गया हो। हैं, कहता है, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। बालक की सुंदर दशा को देखकर यशोदा मैया मोहित हो जाती हैं और बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं। क्या कर रही हैं, अजी सुनते हो, जरा इधर तो आना, देखो ना कैसा लग रहा है अपना कान्हा, ना ऐसे नहीं कर रही होंगी। कहते हैं, अचरा तर लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। फिर यशोदा मैया अपने आंचल तले ढक करके भगवान कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। पुनः देखेंगे, कहते हैं, किलकत कान घुटुर बनियावत, किलकत कान घुटुर बनियावत। यहाँ भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण किलकारियाँ मारते हुए घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में चले आ रहे हैं। हैं,
कहते हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन तिम पकरी बेधावत। भगवान कृष्ण नंद बाबा के सोना और मणि जड़ित उस आंगन में प्रतिबिंबों को, परछाइयों को पकड़ने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आगे कहते हैं कि कबहू निरख हरि आप चाह को करसो पकरन चाहत। तो कभी भगवान कृष्ण अपने ही शरीर की परछाई को बड़े ध्यान से देखते हैं और उसे अपने हाथों से पकड़ने का प्रयास करते हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि किलक हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। जब भगवान कृष्ण किलकारियां मार के हंसते हैं और उनके आगे के जो दो दूधे के दांत जब दिखाई देते हैं तो उनकी यह सुंदरता बार बार लोगों को अपनी तरफ क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। आगे कभी कहता है कि कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजत। सूरदास जी कहते हैं कि आभूषण जड़ित भूमि पर भगवान कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया जो परछाई है वह उनकी सुंदरता को और बढ़ा दे रही है। आगे कह रहे हैं कि करी करी प्रतिबद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। जब भगवान हाथ और पैरों के सहारे चलते चलते थक जाते हैं तो नंद बाबा के आंगन में हाथों के सहारे पालथी मार के बैठ जाते हैं, और जब नंद बाबा के आंगन में पालथी मार के बैठते हैं तो ऐसा लगता है मानो नंद बाबा के आंगन में कोई कमल का पुष्प खिल गया हो। कह रहे हैं आगे कि बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बालक की सुंदर दशा को देखकर यशोदा मैया बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। कहते हैं अचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। फिर अपने आंचल तले ढक करके भगवान कृष्ण को यशोदा मैया दूध पिलाने लगती हैं। अगला पद देखेंगे मित्रों, कहते हैं मैं अपनी सब गाई चरई हूँ, मैं अपनी सब गाई चरई हूँ। एक दिन भगवान कृष्ण यशोदा मैया से जिद कर बैठे कि माँ कल से मैं अपनी गाय चराने खुद जाऊँगा। कहते हैं कि प्रात हो तो बल के संग जय हो तेरे कहे न रही हूँ। मैं सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने चला जाऊँगा, हे माँ तुम कितना हो भी मना करोगी मैं मानूंगा नहीं। कहते हैं ग्वाल बाल गाइन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। हे माँ मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच थोड़ा भी डर नहीं लगता। आगे कह रहे हैं आज न सो नंद दुहाई रनी रहोगे जागत। हे माँ आज नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, पूरी रात जगूंगा। कहते हैं और ग्वाल सब गाई चरई है मैं घर बैठो रहे हो। हे माँ तुम क्या चाहती हो, और ग्वाल बाल सब गाय चराएं और मैं घर में बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता माँ, मैं कल से अपनी गाय चराने जाऊंगा। आगे सूरदास जी करे कि सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि सुधा मैया कहती है कि अच्छा अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह गाय चराने के लिए भेज दूंगी। पुनः देखेंगे कहते हैं मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। हे माँ कल से मैं अपनी सारी गायें खुद चराने जाऊंगा। प्रात हो तो बल के संग जय हो तेरे कहे न रही हूँ। सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा, तुम लाख मना करोगी मैं नहीं मानूंगा। आगे कहते हैं ग्वाल बाल गाइन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। हे माँ मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच थोड़ा भी डर नहीं लगता। आगे कह रहे हैं आज न सो नंद दुहाई रहनी रहोगो जागत। दुहाई शब्द आया, दुहाई मतलब होता है कसम, दुहाई देना, दुहाई देना यानी कसम खाना। कहते हैं कि आज मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि पूरी रात मैं सोऊंगा नहीं जगूंगा। कहते हैं और ग्वाल सब गाई चरई है मैं घर बैठो रहे हूँ। हे माँ तुम क्या चाहती हो, और सब ग्वाल ग्वाल गाय चराएं और मैं घर में बैठा रहूँ। कहते हैं सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दे हूँ।
सुधा जी करें कि सुधा मैं कहती है कि अच्छा आप तुम सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो और आप लोगों को नया नया वीडियो ऐसे ही प्राप्त हो। आप सभी को ढेर सारा आभार, धन्यवाद।